अब स्टॉक का रिकॉर्ड रखना हुआ बहुत ही आसान डीजी खाता स्टॉक बुक के साथ। स्टॉक बुक से रखें अपने बिजनेस के स्टॉक का मुकम्मल हिसाब किताब। आइए देखते हैं कि आप कैसे डीजी खाता स्टॉक बुक को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक बुक को सिलेक्ट करें, उसके बाद एड न्यू आइटम बटन पर क्लिक करें। अब आइटम का नाम, स्टॉक यूनिट, सेल एंड परचेज प्राइस और स्टॉक लिमिट ऐड करें। सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। लीजिए, न्यू स्टॉक आइटम ऐड हो चुकी है और जिस आइटम में स्टॉक इन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके इन और बाय बटन पर क्लिक करें। अब उसकी क्वांटिटी, स्टेटस, पिक्चर और बाकी सब डिटेल्स ऐड करके सेव करें। लीजिए, स्टॉक में आइटम्स ऐड हो चुकी हैं और आपका स्टॉक इन हैंड स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। अगर आप स्टॉक इन हैंड में से कुछ आइटम्स को माइनस करना चाहते हैं तो सेल और आउट बटन पर क्लिक करके उसकी क्वांटिटी और बाकी सब डिटेल्स ऐड करके सेव करें। लीजिए, स्टॉक में से आइटम्स माइनस हो चुकी हैं और आपका स्टॉक इन हैंड स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। आप कभी भी इस एंट्री को एडिट कर सकते हैं और जब चाहे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आइटम पर क्लिक करके आप उसकी सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इन डिटेल्स को एडिट करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करके आइटम प्रोफाइल को सिलेक्ट करें। आप किसी भी आइटम की सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं और उनमें अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस भी कर सकते हैं। इसी तरह इन और आउट एंट्रीज की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए रिपोर्ट पर क्लिक करके आप PDF में उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और आसानी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टोटल आइटम्स की रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप फिल्टर लगाकर अपनी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी डीजी खाता ऐप में डेली के स्टॉक का हिसाब किताब रख सकते हैं। इस तरह के मजीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए डीजी खाता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।